हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ क्रिस्पी बैंगन फ्राई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोग बैंगन नहीं खाते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। आई एम श्योर कि आप लोग बैंगन खाने लगेंगे। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को बनाने में कौन सी इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ एक बोल में मैंने एक बड़े बैंगन को काट लिया है इस तरीके से, और देखिए इसकी थिकनेस इस तरीके से हम काट लेंगे। देखिए ये इस प्लेट में मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जैसे ये एक धनिया पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, कलौंजी, गरम मसाला और जीरा पाउडर। ये मसाले हम मैरिनेशन में यूज़ करेंगे। यहाँ है आमचूर पाउडर, गार्लिक पाउडर, चिली फ्लेक्स और ये है नमक स्वाद अनुसार। ये फ्राई करने के लिए ऑयल है और ये है कॉर्न फ्लावर। यहाँ जो मैरिनेशन के लिए मैंने मसाले रखे थे अलग प्लेट में, वो सारे मैं बैंगन के ऊपर डाल दूँगी और इसे अच्छे से कोट कर दूँगी। इसमें मैंने नमक भी डाला है और इसे मैं अब डालूँगी 1 टेबल स्पून सनफ्लावर ऑयल। इसे अच्छे से हाथ से हमें मिलाना है। देखिए ये अब इस तरीके से कुछ दिखेगा। अब इसे हमें थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए देना है, करीब 10-15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट के बाद देखिए ये हल्का सा पानी छोड़ेगा और ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। अब इसमें बारी आती है कॉर्नफ्लोर ऐड करने की। ये हमारे पास जो कॉर्नफ्लोर था इसमें डाल देंगे और बैंगन को हमें दोनों तरफ से अच्छे से कोट करना है। देखिए इसे इस तरीके से अच्छे से कोट कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से अब दिखने लगेगा। अब हमें इन सारे पीसेस को एक एक करके तेल में फ्राई कर लेना है। हमें इन बैंगन के पीसेस को क्रिस्पी होने तक मीडियम टू लो फ्लेम में फ्राई करना है और इसे हमें बीच बीच में पलटते पलटते रहना है। देखिए दोस्तों ये फ्राई होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैंने यहाँ पे स्पाइस मिक्स बना लिया है, नमक, आमचूर पाउडर, चिली फ्लेक्स और गार्लिक पाउडर मिलाकर। अब इसके ऊपर हमें स्प्रिंकल करना है जब ये गर्म रहे तभी। हमें ये दोनों तरफ करना है दोस्तों, हमें दोनों तरफ ही स्पाइस मिक्स को छिड़कना है। तो फ्रेंड्स, क्रिस्पी बैंगन फ्राई रेडी है सर्व करने के लिए। ये किसी भी मील में एज अ साइड डिश सर्व करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर से लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में और एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।